वर्ल्ड कप 2023 के स्केड्यूल के हवाले से एक ब्रेकिंग न्यूज आई है। रिवाइज्ड स्केड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। जी हां, जो न्यू स्केड्यूल है वर्ल्ड कप का वो अब हमारे सामने आ चुका है। 9 मैचेस चेंज हुए हैं, 9 मैचेस की डेट्स चेंज की गई हैं, जिसमें पाकिस्तान के 3 मैचेस चेंज हुए हैं। उसके अलावा इंडिया के भी 2 मैचेस को चेंज किया गया है, उनकी डेट्स को चेंज किया गया है। तमाम डिटेल्स आपको देंगे स्टूडियो में। आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होना था 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में, वो रिलीजियस इवेंट की वजह से उसको 14 अक्टूबर किया गया। उसके हवाले से काफी चर्चे हुए, काफी बातें हुई, और अब ऑफिशियली तौर पर इसका ऐलान हो गया है कि वो मैच 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। और उस मैच की वजह से 6 मैचेस और भी चेंज किए, उनको भी रिस्केड्यूल किया गया। और उसके साथ साथ पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच जो 12 नवंबर को कलकत्ता में खेला जाना था, उसके हवाले से भी कलकत्ता पुलिस ने रिजर्वेशंस का इजहार किया। वहां पर भी एक रिलीजियस इवेंट होना है, जिसकी वजह से वो मैच भी एक दिन पहले खेला जाएगा 11 नवंबर को। और उस मैच की वजह से 2 मैचेस और भी चेंज किए गए हैं। तो इस तरह ये टोटल 9 मैचेस चेंज हुए हैं। कौन कौन से मैचेस हैं, चलिए आपको बताते हैं। फर्स्ट मैच जो है वो पाकिस्तान की, अगर हम बात करें पहले पाकिस्तान के जो 3 मैचेस चेंज हुए, इनमें सबसे पहला मैच ऑफ कोर्स पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जो मैच 15 अक्टूबर को खेला जाना था अहमदाबाद में, अब वो 14 अक्टूबर को खेला जाएगा। उसकी वजह से पाकिस्तान का फिर एक और मैच चेंज हुआ। पाकिस्तान ने जो श्रीलंका के साथ 12 अक्टूबर को मैच खेलना था, वो मैच अब 10 अक्टूबर को पाकिस्तान ने हैदराबाद में खेलना है। वेन्यू कोई चेंज नहीं हुआ इन मैचेस का, जितने भी मैचेस हैं वेन्यू नहीं चेंज हुए, सिर्फ डेट्स चेंज की गई हैं। पाकिस्तान ने 15 वाला मैच 14 का, और उसके बाद जो 12 वाला मैच पाकिस्तान ने श्रीलंका से खेलना था, वो मैच अब 10 अक्टूबर को पाकिस्तान श्रीलंका में हैदराबाद में खेलेगा। उसके बाद जो पाकिस्तान का तीसरा मैच चेंज हुआ है वो इंग्लैंड के साथ, पाकिस्तान ने 12 नवंबर को खेलना था, पाकिस्तान 11 नवंबर को मैच कलकत्ता में खेलेगा। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के 2 मैचेस चेंज हुए हैं। एक पाकिस्तान इंडिया वाला जो 15 अक्टूबर को होना था, वो अब 14 अक्टूबर को होगा। और दूसरा इंडिया का मैच लास्ट लीग स्टेज का मैच होना है अब। इंडिया ने वो मैच 11 नवंबर को खेलना था नेदरलैंड के साथ, लेकिन अब पाकिस्तान क्योंकि 12 की बजाय 11 नवंबर को खेल रहा है, तो इंडिया का वो मैच 11 की बजाय 12 को कर दिया गया है। इंडिया अपना मैच नेदरलैंड के साथ 12 नवंबर को खेलेगा। ये 2 मैच इंडिया के चेंज हुए हैं। बाकी जो उनसे मैच चेंज हुए हैं वो भी आपको बताते हैं। इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश का मैच चेंज हुआ है, ये मैच अब 10 अक्टूबर को खेला जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, ये मैच 12 अक्टूबर को खेला जाना है। पहले ये मैच 13 अक्टूबर को खेला जाना था, और अब इसको 12 कर दिया गया है। न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश, ये वो मैच है जो स्वैप हुआ है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के मैच के साथ। आपको बताऊं, ये जो मैच है न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश, ये मैच भी हैदराबाद में होना है, और अब ये मैच 13 अक्टूबर को खेला जाना है। पहले ये मैच 9 अक्टूबर को खेला जाना था, पाकिस्तान का मैच हैदराबाद में 12 अक्टूबर को खेला जाना था, लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान श्रीलंका का मैच 10 अक्टूबर को किया गया है हैदराबाद में, फिर 9 और 10 को हैदराबाद 2 दिन लगातार मैचेस करवा नहीं सकता था, इस वजह से 9 वाला मैच अब ये 13 तारीख को कर दिया गया है। न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश अब ये 13 अक्टूबर को हैदराबाद में मैच खेलेंगे। उसके बाद अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का मैच जो 14 अक्टूबर को खेला जाना था, बिकॉज पाकिस्तान का मैच, पाकिस्तान इंडिया का मैच अब 14 को किया गया है, तो इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान का ये वाला मैच 15 अक्टूबर को कर दिया गया है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच भी रिस्केड्यूल हुआ है, जो मैच 12 नवंबर को होना था, लेकिन अब ये मैच 11 नवंबर को खेला जाना है। तो ये टोटल 9 मैचेस हैं जो रिस्केड्यूल किए गए हैं, नया स्केड्यूल हमारे सामने आया है। दोबारा अगर मैं आपको बता दूं, जो 9 के 9 मैचेस हैं, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच 15 अक्टूबर की बजाय 14 अक्टूबर को खेला जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड जो 12 नवंबर को खेला जाना था, वो अब 11 नवंबर को होगा। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका जो 10 अक्टूबर को होना है, पहले ये मैच होना था 12 अक्टूबर को। उसके साथ साथ जो मैचेस चेंज हुए हैं, उनमें इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश का मैच 10 अक्टूबर को खेला जाना है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका ये मैच अब 12 अक्टूबर को होगा, पहले ये 13 को होना था, न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश का मैच जो पहले 9 अक्टूबर को होना था, अब ये मैच 13 अक्टूबर को होगा। उसके बाद इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान जो मैच 14 अक्टूबर को होना था, अब ये मैच 15 अक्टूबर को होगा। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश ये वाला मैच 11 नवंबर को खेला जाना है, पहले ये मैच 12 नवंबर को होना था, और ऐसे ही पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड जो 12 नवंबर को होना था, वो भी अब 11 नवंबर को होगा। और लास्ट मैच इंडिया वर्सेस नेदरलैंड, ये मैच 11 नवंबर को होना था, लेकिन अब ये मैच 12 नवंबर को होगा। तो ये कुछ मैचेस हैं जो चेंज किए गए हैं। सिर्फ 2 मैचेस की वजह से ये 9 मैचेस चेंज हुए हैं। पाकिस्तान के जो 2 मैच थे, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया और पाकिस्तान वर्सेस
इंग्लैंड, ये दो मैचेस की वजह से ये तमाम मैचेस भी रिस्केड्यूल हुए। तो ये ब्रेकिंग न्यूज थी वर्ल्ड कप के स्केड्यूल के हवाले से। वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर से होना है इंग्लैंड वर्सेज न्यूजीलैंड के मैच के साथ और 19 नवंबर को इसका फाइनल होगा अहमदाबाद में। लेट्स सी कि ये वर्ल्ड कप कैसा होता है। एक इंटरेस्टिंग वर्ल्ड कप तो डेफिनेटली ये होगा।